Hey there, चंद्र here. You know, scientist या physicist किसी देश की शान होते हैं. कोई देश कितना तरक्की कर रहा है, ये उसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, जो कि एंड में उस देश की physicist कितनी एफिशिएंसी और फ्रीडम के साथ वर्क कर पा रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है. हमारे इंडियन physicist या scientist जो इंडिया के डेवलपमेंट एंड हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी तरफ से कुछ तारीफ तो डिजर्व करते हैं. एंड इसलिए इस वीडियो को हमने खास उन्हीं को डेडिकेट किया है. अगर वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप मुझसे एग्री कर दे हो तो वीडियो को दिल खोलकर लाइक कर देना. वेल, फेयर वार्निंग, जिस तरह से मैं नंबरिंग करके आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरह से उनकी कंट्रीब्यूशन या इंटेलिजेंस को नहीं दर्शाता. बट मुझे वीडियो बनाना था, इसलिए मुझे किसी न किसी तरह से नंबरिंग तो करना ही था. मैं इन ग्रेट फिजिसिस्ट को कंपेयर नहीं कर रहा, एंड ऐसा करना उनके लिए हमारे मन में डिसरिस्पेक्ट होगा. अब क्योंकि ये क्लियर हो चुका है तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर वन, तथागत अवतार तुलसी. आई नो नाम थोड़ा ऑड है गिवन मॉडर्न एज जिसमें हम रहते हैं, बट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. तथागत जी का जन्म बिहार के कैपिटल सिटी पटना में 9 सितंबर 1987 को हुआ था, एंड पॉपुलर मीडिया में वो चाइल्ड प्रोडिजी या जीनियस चाइल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं. आज वो 30 प्लस ईयर्स के हैं, एंड उन्होंने 9 साल की उम्र में ही क्लास 12 को पास कर लिया था. एंड एक साल बाद जब वो 10 साल की हुए तो उन्होंने बीएससी की डिग्री हासिल कर ली थी, और 12 साल की उम्र तक उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से एमएससी की डिग्री भी हासिल कर चुके थे. यह 2009 में उन्होंने आईआईएससी बैंगलोर में जनरलाइजेशन ऑफ क्वांटम सर्च एल्गोरिदम के रिसर्च पेपर भी लिखा था, जिसे उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली. एंड आज वो क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं. हमारे देश को ऐसे ही जीनियसेस की ज़रूरत है जो अपने वर्क के लिए पूरी तरह से पैशनेट है, एंड होपफुली हमारे इंडिया को नोबेल प्राइज भी दिला सकते हैं. एंड इन्हों नेशनल ज्योग्राफिक में 13 दिसंबर 2007 को माय ब्रिलियंट ब्रेन नाम की सीरीज में उनके बायोग्राफी को भी फीचर किया गया था. नंबर टू, अरुण के पति. वेल, आई एम श्योर आप इनके बारे में नहीं जानते, बट यू नो इनका वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आप इन्हें इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स के लिए भी ब्लेम कर सकते हो. अरुण के पति दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने क्वांटम नो डिलीटिंग थ्योरम को प्रूव किया था, एंड इसके मुताबिक आप किसी भी क्वांटम इन्फॉर्मेशन की कॉपी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. नो डिलीटिंग थ्योरम को नो क्लोनिंग थ्योरम के साथ मर्ज करते हमें कंजर्वेशन ऑफ क्वांटम इन्फॉर्मेशन मिलता है, जिसकी वजह से आज ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन को मिक्स करते हुए हमें इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स भी मिल रहा है. ये हमारे देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज जो हमारे यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग को इन अ सेंस कम्प्लीट करते हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि हमारे देश से ही आया है. अरुण के पति का जन्म 13 अप्रैल 1966 को उड़ीसा के कोकुलंडा नामक विलेज में हुआ था. एंड यू नो इतने छोटे से गाँव में इतने बड़े फिजिसिस्ट का जन्म होना एंड इंटरनेशनल लेवल पर उनकी ये अचीवमेंट हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है. अरुण जी ने अपनी पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से कम्प्लीट की थी, एंड आज वो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम इन्फॉर्मेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्र में हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं. नंबर थ्री, अशोक सेन. वियरली सेम हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक और जीनियस एंड मेरे फेवरेट इंडियन फिजिसिस्ट अशोक सेन भी वर्क कर रहे हैं. अशोक सेन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च किए जाने वाले फिजिसिस्ट में से एक हैं, एंड उनके स्ट्रिंग थ्योरी के इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें फंडामेंटल फिजिक्स प्राइज भी दिया गया था. अशोक सेन शायद एकमात्र ऐसे फिजिसिस्ट होंगे जिन्हें कई बार MIT एंड कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है. अशोक सेन का जन्म 15 जुलाई 1956 को कोलकाता में हुआ था, एंड उन्होंने अपनी MSc की डिग्री IIT कानपुर से हासिल की है और PhD स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से. अभी तक अशोक सेन ब्लैक होल फिजिक्स, स्ट्रिंग थ्योरी और अट्रैक्टर मैकेनिज्म पे वर्क कर चुके हैं, बट स्ट्रिंग थ्योरी में पर्टिकुलरली इस ड्यूअलिटी पे उन्होंने जो वर्क किया था उसने इस फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया. पहले कुछ पर्टिकुलर तरह के कैलकुलेशन को स्ट्रिंग थ्योरी में कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जो अशोक सेन के कंट्रीब्यूशन के बाद काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाया, एंड इसने स्ट्रिंग थ्योरी में दूसरी ड्यूअलिटीज की खोज की एक सफर को शुरू कर दिया. थानू पद्मनाभन. यूं तो एक जीनियस की पहचान कई बार जल्दी नहीं होती, कईयों के बारे में हमें उनके बचपन में ही पता चल जाता है, बट बहुतों के बारे में हमें बहुत बात पता लगता है. ऐसे ही एक जीनियस फिजिसिस्ट में से एक है पद्मनाभन. ये वो फिजिसिस्ट है जिन्होंने 20 साल की उम्र में बैचलर्स की सेकंड ईयर में ही जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर अपना ओरिजिनल रिसर्च पेपर लिख दिया था. जनरल रिलेटिविटी एक ऐसा टॉपिक है जिसका मैथमेटिक्स MSc के स्टूडेंट को भी परेशान कर देता है, एंड ऐसे टॉपिक में उन्होंने रिसर्च पेपर को लिख दिया. ये काफ़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ है. पद्मनाभन जी ने अभी तक अराउंड 300 प्लस रिसर्च पेपर को पब्लिश किया है, एंड उनका मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर ग्रेविटी, क्वांटम ग्रेविटी एंड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन द यूनिवर्स जैसे टॉपिक पर ही रहा है. इनका जन्म 10 मार्च 1957 को तिरुवनंतपुरम केरला में हुआ था, एंड वो वसंती पद्मनाभन जो कि टाइफर के एक PhD एस्ट्रोफिजिक्स ग्रेजुएट है उनके साथ हैप्पीली मैरिड है. उनकी एक बेटी भी है जिनके पास ICUA पुणे से PhD की डिग्री है, एंड वो भी एस्ट्रोफिजिक्स में. देखकर ऐसा लगता है मानो पूरी फैमिली एस्ट्रोफिजिसिस्ट है. नंबर फाइव, जयंत नार्लिकर.
भानु पद्मनाभन जैसे जीनियस फिजिसिस्ट के पीएचडी एडवाइजर थे दूसरे इंडियन फिजिसिस्ट जयंत नालेकर, जिन्होंने बिग बैंग के अल्टरनेटिव क्वासी स्टेडी स्टेट थ्योरी को बनाया था। ये बिग बैंग थ्योरी यानी स्टेडी स्टेट थ्योरी का हाइब्रिड है। एंड से लेकर नालेकर जी का मानना है कि जैसे हम कहते हैं कि बिग बैंग की वजह से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ था, वो पूरी तरह से सही नहीं है। इस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस बात की पुष्टि कर सके। एंड जो हम जानते हैं वो बस इतना है कि हमारे यूनिवर्स पास्ट में डेंस और हॉट हुआ करता था। इससे आगे जाने के लिए हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की मदद लेनी होगी, जो कि फिलहाल हमारे पास नहीं है। नालेकर जी के थ्योरी के मुताबिक हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट को रिपीट करता है, मच लाइक बिग बाउंस। येट अगेन, इस थ्योरी का भी कोई फिलहाल डेफिनेट एविडेंस नहीं है, बट अगर ये सही है तो हमारा यूनिवर्स इटर्नल है एंड ये कई बार बिग बैंग एंड बिग क्रंच जैसे स्टेट से गुजरता है। नालेकर जी का जन्म 19 जुलाई 1938 को हुआ था एंड उन्होंने 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था, जहाँ से उन्होंने अपनी पीएचडी अर्न की। अभी तक वो फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड कई ऐसे फील्ड पे वर्क कर चुके हैं। नंबर 6, अभय एस्टेकर। आई होप आप स्ट्रिंग थ्योरी जैसे प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, जो कि परहैप्स एक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग हो भी सकता है एंड नहीं भी। बट यू नो, हमारे पास एक दूसरा ऑल्टरनेटिव है, एक ऐसी थ्योरी जो ना तो हाई डायमेंशन की डिमांड करती है एंड ना ही स्ट्रिंग जैसे किसी एंटिटी की, एंड इसके बावजूद ग्रेविटी को क्वांटाइज करने में सक्सेसफुल है। इस थ्योरी को हम लूप क्वांटम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं हो पाता अगर अभय एस्टेकर जैसे इंडियन फिजिसिस्ट ने इसके ऊपर वर्क नहीं किया होता। अभय एस्टेकर ने एस्टेकर वेरिएबल, जो कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन एंड कॉन्सेप्ट है एंड क्वांटम लेवल पे कर्वेचर एंड ज्योमेट्री की स्टडी में काम आता है, को दिया था। एंड उन्हीं के कॉन्ट्रीब्यूशन की बदौलत आज हमारा एलक्यूजी ग्रेविटी को क्वांटाइज करने में सक्सेसफुल हुआ है। बट अभी भी थ्योरी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये मैटर के इंटरेक्शन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करता। वेल, अभय एस्टेकर का जन्म 5 जुलाई 1948 को कोल्हापुर में हुआ था एंड फिलहाल वो यूएस में रहते हैं। नंबर 7, वी बालकृष्णन। वेल, अभी तक आपने कई वन मैन आर्मी के बारे में सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, बट यू नो वी बालकृष्णन एक ऐसे ही वन मैन आर्मी है हमारे फिजिक्स सेक्शन से। इन्होंने क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स एंड मेनी बॉडी प्रॉब्लम जैसे फील्ड में वर्क किया है। एंड यू नो वी बालकृष्णन भी एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के साथ हैप्पीली मैरिड हैं एंड उनका एक बेटा एंड बेटी है, जो कि दोनों MIT में प्रोफेसर के पद पे हैं। वी बालकृष्णन का जन्म 1943 में हुआ था एंड उन्होंने ब्रैंडिश यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री हासिल की थी। एंड अगर आप वी बालकृष्णन जैसे फिजिसिस्ट के लेक्चर से फिजिक्स को पढ़ना चाहते हो तो मैं उसके लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो हैप्पी लर्निंग। नंबर 8, सिराज मीनवाला। ये ऐसे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने IIT कानपुर से अपनी मास्टर्स की डिग्री ली थी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी PhD। वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एंड क्यूरियस इंसान है एंड ऐसा उनके लेक्चर्स को देखते हुए काफ़ी आसानी से पता चल जाता है। फिलहाल इंडिया में वो लीडिंग स्ट्रिंग थ्योरिस्ट में गिने जाते हैं एंड उनका जन्म 2 जनवरी 1978 को मुंबई में हुआ था एंड फिलहाल वो टाइफॉइड में रिसर्च कर रहे हैं। नंबर 9, अजोय घटक। वो एक इंडियन फिजिसिस्ट एंड यूनिवर्सिटी बुक जैसे कि ऑप्टिक्स के ऑथर हैं। उन्होंने अपनी मास्टर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की थी और PhD कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से। अजोय IIT दिल्ली के प्रोफेसर रह चुके हैं एंड फिलहाल वो अपना ज़्यादा समय लेक्चर्स एंड बुक राइटिंग को डेडिकेट करते हैं, ताकि हमारे यंग फिजिक्स एंथुजियास्ट इंडिया को फ्यूचर में लीड कर सकें। नंबर 10, अदिति सेन दे। अभी तक हम जिन फिजिसिस्ट के बारे में बात कर रहे थे वो सभी मेल थे, बट अब मैं आपको जिस फीमेल फिजिसिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, उन्हें ना सिर्फ शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से संबोधित किया गया है, बट साथ में वो फर्स्ट इंडियन फीमेल है जिन्हें इस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। उन्हें साथ में भूटी फाउंडेशन अवार्ड भी दिया गया है एंड ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं यंग फिजिसिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स के सेक्शन में कुछ गजब का किया हो। अदिति सेन का जन्म 1 अक्टूबर 1974 को कोलकाता में हुआ था एंड उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से मैथमेटिक्स में BSc की थी एंड इसके बाद आगे की पढ़ाई एंड रिसर्च के लिए वो पोलैंड चली गई। इसके बाद रिसर्च एंड प्रोफेसरशिप के मामले में उन्हें कई डिफरेंट कंट्रीज में भी आना जाना लगा रहा एंड अभी तक उन्होंने 100+ पीयर रिव्यू रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। फिलहाल वो हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे है एंड उनका मोस्ट ऑफ द वर्क क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में है। एंड परहैप्स इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी, ब्लैक होल एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बट जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम उन फिजिसिस्ट को इंडिया में डेवलपमेंट वाइज कंसीडर नहीं कर रहे हैं जिनके पेपर में प्लेजरिज्म या इनकरेक्ट मैथमेटिकल रिजल्ट को पाया गया है। इन्हीं में से एक है आईसर तिरुवनंतपुरम के हेड वी रामाकृष्णन, जिनके रिसर्च पेपर को द वायर नाम की न्यूज़पेपर ने सिंपली कॉपी पेस्ट बताया था। ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे देश का नाम खराब कर रहा है बल्कि इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट को भी बदनाम कर रहा है। एनीवेज, अगर आपका ड्रीम इंडिया में एक फिजिसिस्ट बनना है तो आप डायरेक्टली क्लास 12 के बाद BSc से फिजिक्स करने के लिए कॉलेज को ज्वाइन कर लेना एंड अगर लक अच्छा रहा तो हम एक ही कॉलेज में मिल सकते हैं।
टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।